गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीए द्वितीय वर्ष सेकंड पेपर और चैप्टर फर्स्ट मुद्रा के काल। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा को परिभाषित किया था कि मुद्रा क्या है। उसमें हम लोगों ने देखा कि मुद्रा को कई वर्गों में परिभाषित किया गया। मुद्रा की एक उचित परिभाषा कि मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम और भुगतान के माध्यम के रूप में विस्तृत क्षेत्र में निसंकोच स्वीकार की जाती है। मुद्रा का जन्म क्यों हुआ? मुद्रा का जन्म हुआ विनिमय के माध्यम के रूप में, विनिमय की समस्या को दूर करने के लिए मुद्रा का जन्म हुआ। अब हम देखते हैं मुद्रा के कार्य कि मुद्रा कौन कौन से कार्य करती है। तो पहला कार्य मुद्रा का है विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वास्तव में मुद्रा का जन्म ही विनिमय की समस्याओं को दूर करने के लिए हुआ। हम जानते हैं कि मुद्रा के जन्म के पूर्व वस्तु विनिमय यानी प्रत्यक्ष विनिमय था। तो उसमें प्रत्यक्ष विनिमय में कई प्रकार की समस्याएं थी। एक प्रमुख समस्या दोहरे सहयोग की, जिसमें जो वस्तु क्रेता है जिस वस्तु का, उसी वस्तु का विक्रेता भी उसको मिल जाए, तो इसको दोहरा सहयोग, तो ये एक समस्या थी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मुद्रा का जन्म हुआ। तो मुद्रा का पहला कार्य है विनिमय का माध्यम। हम मुद्रा के द्वारा जिस वस्तु को चाहेंगे तो मुद्रा से क्रय किया जा सकता है। मुद्रा में घोषित जो वैल्यू है हम मुद्रा के द्वारा क्रय कर सकते हैं। तो विनिमय का माध्यम जो है ये मुद्रा का पहला कार्य है, विनिमय का माध्यम। दूसरा कार्य है मूल्य का मापक, मेजर ऑफ वैल्यू। मूल्य का मापक यानी कोई वस्तु है जिसको वैल्यू, जिसकी मूल्य निर्धारित करना है, तो सबसे सरल माध्यम मुद्रा। हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष विनिमय वस्तु विनिमय में वस्तु के मूल्य निर्धारण की भी एक समस्या थी। तो मुद्रा का जन्म वस्तुओं के मूल्य का मापन करने के लिए भी हुआ। तो मुद्रा का दूसरा कार्य है मूल्य का मापन। भावी भुगतान का आधार, मुद्रा वर्तमान भुगतान का आधार है। यदि हम मुद्रा के द्वारा किसी वस्तु का क्रय करते हैं तो तात्कालिक भुगतान, वर्तमान भुगतान। हम मुद्रा के द्वारा भविष्य में होने वाले क्रय विक्रय भुगतान के रूप में मुद्रा का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये मुद्रा का एक कार्य है, भावी भुगतान को आधार प्रदान करता है मुद्रा। वर्तमान के साथ साथ भावी भुगतान का आधार मुद्रा। मूल्य का संचय, मूल्य संचय का साधन, स्टोर ऑफ वैल्यू। मुद्रा का एक कार्य भी है कि वो वस्तुओं में मूल्य का सृजन करती है। मूल्य का हस्तांतरण, मुद्रा
मूल्य का हस्तांतरण भी करती है। मुद्रा यदि एक वस्तु के क्रेता से हमने कोई वस्तु खरीदी तो मुद्रा क्रेता को हमने दे दी, वस्तु उससे विक्रेता वस्तु ले ली, क्रेता विक्रेता। तो अब जो मूल्य का हस्तांतरण है वो उसके पास हो। आय का वितरण, हम जानते हैं कि वितरण राष्ट्रीय आय का वितरण किया जाता है। वितरण किसके बीच में किया जाता है? उत्पादन के साधनों के बीच में किया जाता है, और उत्पादित वस्तु के विक्रय से जो प्राप्त आय है उसका वितरण किया जाता है। तो जो उत्पादन के साधन है और उनकी उत्पादकता के आधार पर मुद्रा के द्वारा हम आय का वितरण भी करते हैं। पूंजी की उत्पादकता बढ़ाना, मुद्रा का एक कार्य यह भी है कि वो जो पूंजी है उसकी उत्पादकता को वृद्धि करता है। मुद्रा का एक कार्य साख का आधार है। साख का तात्पर्य क्रेडिट, और मुद्रा के द्वारा ही साख का निर्माण होता है। तो मुद्रा साख के आधार के रूप में भी कार्य करती है। संपत्ति की तरलता, मुद्रा संपत्ति को तरल रूप प्रदान करती है। कोई संपत्ति है उसकी वैल्यू मुद्रा में निकाल ली जाती है और बिक्री यदि कर दी जाती है तो मुद्रा प्राप्त हो जाती है। तो संपत्ति का तरल रूप को मुद्रा प्रदान करती है। इच्छा का भाग, वियर ऑफ ऑप्शन, तो मुद्रा जिस व्यक्ति के पास है वो इच्छा का वाहक होता है। वो वर्तमान समय में मुद्रा का व्यय कर सकता है या भावी भविष्य में किसी भुगतान के रूप में भी मुद्रा का उपयोग कर सकता है, या भविष्य में किसी भी वस्तु का क्रय कर सकता है, या अपना अपनी मुद्रा जो है वो खर्च कर सकता है। तो मुद्रा ने क्या किया है कि हमें इच्छा का वाहक बना दिया। और ग्यारहवा है भुगतान स्थिति का सूचक, इंडेक्स ऑफ रिपेइंग कैपेसिटी। हम मुद्रा जिस व्यक्ति के पास है तो मुद्रा भुगतान क्षमता का सूचक भी है। यदि किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त मुद्रा है और हम जानते हैं तो उसको जो उसके भुगतान स्थिति है उसका एक आधार बनता है, तो मुद्रा भुगतान स्थिति का सूचक भी है। तो इस प्रकार से ये 11 कार्य हैं जो हमें याद रखने हैं। मुद्रा के ये 11 कार्य जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। और प्रश्न पूछा जाता है कि मुद्रा के कार्यों का वर्णन कीजिए, तो लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी प्रश्न के रूप में ये अक्सर पूछा जाता है वार्षिक परीक्षाओं में कि मुद्रा के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये मुद्रा के जो 11 कार्य हैं इन्हें हमें याद रखना है। इस प्रकार से यदि हम ये 11 कार्य लिखेंगे हमारा प्रश्न संपूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद।